सो गाइस, भारत के भूगोल सीरीज की आज ही नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, और इसके अलावा जो राज्यवार जलप्रपात है और भारत के बड़े जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पुरानी क्लासेस वो अगर अपना नहीं देखी है तो उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें भारत के भूगोल सीरीज के सारे वीडियोस, इसके अलावा मैथ्स की क्लास और एमपीजी की क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो भैया पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है और जो पुरानी एग्जाम जो रेसिड्यूल जो पोस्टपोन हो गई थी वो भी उनकी डेट आ चुकी है। तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखें जब भी वीडियो देखें, ताकि आप नोट कर सके, अपना नोट्स बना सके। और इसको एवे में मत लो, ऐसे फालतू में मत लो कि पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई बहुत टाइम से छूट गई है, तो उसको आपको वापस से रेसिड्यूल करना पड़ेगा। बाकी बात तो बुरी लगती है पढ़ाई के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले तो जलप्रपात की बात करेंगे। तो जलप्रपात क्या होता है? किसी भी ऊंचाई वाले स्थान से, किसी पहाड़ी क्षेत्र, एकदम जब पानी गिरता है, या तो वो पहाड़ का पानी हो सकता है या नदी का पानी हो सकता है, तो इसको स्थानीय भाषा में झरना भी कहते हैं। और नदी का पानी भी हो सकता है वो, या फिर पहाड़ का पानी हो सकता है, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात पर्यटन का प्रमुख स्रोत रहते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा पर्यटन होता है और काफी ज्यादा हादसे भी होते हैं बहुत सारे जलप्रपातों पर, क्योंकि वहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था होती नहीं है ज्यादा, क्योंकि बहुत पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहां पर हादसे बहुत होते हैं। तो भारत अगर विश्व के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वो है एंजल फॉल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। और उसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 979 मीटर है। 979 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा जलप्रपात है। और ये जलप्रपात, इस जलप्रपात का पानी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, कभी भाप बनकर उड़ जाता है या फिर कोहरे के रूप में फैल जाता है। इसका पानी बहुत कम मात्रा में नीचे पहुंच पाता है। ये वेनेजुएला में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा एक है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात या फिर सबसे चौड़ा जलप्रपात, जो कि काफी प्रसिद्ध है, नियाग्रा जलप्रपात है। ये कि नियाग्रा नदी पर है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, काफी ज्यादा मात्रा में इसमें, ये नियाग्रा नदी पर भी बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा पर्यटन का स्रोत है, यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है ये। इससे रिलेटेड आपने इमेज वगैरह देखी होगी। चलिए अब बात कर लेते भारत की। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, इसको गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। 253 मीटर अगर क्वेश्चन आता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वह जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। याद रखना, मैंने आपको जो नदी वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया, इसको गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब भारत के दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो यह है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात को कावेरी प्रपात भी कहा जाता है। ये भारत का दूसरा ऊंचा, 98 मीटर की ऊंचाई है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये मैसूर और बेंगलोर के बीच, यानी मैसूर से लगभग 80 किलोमीटर, बेंगलोर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक पर्यटन का आकर्षण का मुख्य केंद्र है, क्योंकि जो जलप्रपात होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यटन होता है। लेकिन हालांकि अभी लॉकडाउन के चलते तो सभी पर्यटन स्थल लगभग बंद थे, अब धीरे धीरे सारी चीजें खुलने लगी। अगले जलप्रपात की बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट मिल सकते हैं। यानी कि ये जो जोग जलप्रपात है 253 मीटर ऊंचा है, इसके अलावा आपको दूसरे जलप्रपातों की ऊंचाई भी इससे ज्यादा मिल सकती है। कई बुक्स में दिया हुआ है, नेट पर भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा फैक्ट इसी के बारे में है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पर दूसरे जलप्रपातों के बारे में सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है, जैसे कि जो मेघालय के जो जलप्रपात, इनकी ऊंचाई 300 मीटर के समथिंग है। तो उससे ये क्या है, फैक्ट श्योर नहीं है इनके बारे में, कहीं पर मैंने नहीं पढ़ा, एक आध जगह जरूर पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में ये नहीं बताया कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो जोग गोरसप्पा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, इसी के बारे में बताया है सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं।
एक अगला है अंगाई, अंगाया गंगई जलप्रपात जो कि कोल्ली पहाड़ियों पर स्थित है, पूर्वी घाट की कोल्ली पहाड़ियों पर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु पर्यटन का मुख्य क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगला है अय्यानार जलप्रपात जो कि तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले के पास में स्थित है, विरुद्धनगर जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, नोट जरूर करते जाना। इसके अलावा बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, दूध सागर जलप्रपात इसको दूध का सागर जलप्रपात कहते हैं जो कि मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है और गोवा के पर्यटन का के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक आते हैं, कहाँ पर गोवा में, हालांकि अभी तो सब पर्यटन बंद है। अगला जलप्रपात है दुदुमा जलप्रपात जो कि उड़ीसा में मच्छकुंड नदी पर स्थित है, यहाँ पर इस जो दुदुमा जलप्रपात है इस पर जल बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला जलप्रपात गोकाक जलप्रपात है जो कि भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में भी जाना जाता है, गोकाक जलप्रपात। भारत के नियाग्रा जलप्रपात के बारे में मैं आपको बता दूं दो तीन, जैसे कि मान लो ये जो चचाई जलप्रपात है इसको भी भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है ना, तो दो तीन फैक्ट है। गोकाक जलप्रपात को ये घटप्रभा नदी पर है, कहां पर, बेलगांव कर्नाटक के पास, बेलगांव में नहीं, बेलगांव कर्नाटक के पास है गोकाक जलप्रपात। लोध जलप्रपात जो है ये बुद्ध जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और ये झारखंड में है रांची के निकट, इसलिए बुद्ध नदी पर है, कौन सा, लोध जलप्रपात, इसको बुद्ध जलप्रपात भी कहा जाता है। इधर मैंने मुख्य मुख्य जो जलप्रपात है उनके बारे में लिख रखा है, इधर मैंने राज्यवार लिख रखे क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात है, बहुत सारे अनगिनत अनगिनत, जैसे कि नदियों की बात करें तो 4000 से ज्यादा नदियां हैं भारत में, सभी नदियों के बारे में नहीं पढ़ सकते, जो मुख्य मुख्य नदियां हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां के आपके जलप्रपात मुख्य रूप से जरूरी है, यानी कि जैसे कि आप मैं एमपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात है वो पढ़ लेना चाहिए, तो वो हमारी जो एमपी जीके वाली सीरीज है उसमें आपको डीपली जो नदियों वाला चैप्टर है और जलप्रपात वाला चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। सिरुवानी जलप्रपात, ये सिरुवानी नदी पर कोयम्बटूर में स्थित है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है बिहार नदी, ये भी इसको भी भारत का नियाग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं राज्यवार जलप्रपातों के बारे में। सर्वाधिक जलप्रपात आपको दक्षिण भारत में मिल जाते हैं और पूर्वोत्तर भारत में मिल जाते हैं, पूर्व भारत में, पूर्वी भारत में जो कि मेघालय मिजोरम असम वाले क्षेत्र में, जो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जलप्रपात मिलते हैं और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में जलप्रपात है। तो कर्नाटक राज्य की बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मानचित्र से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके पास मानचित्र होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एटलस हो गई या फिर दूसरी एटलस हो गई, ये जरूरी है ताकि आप कोरिलेट कर सके जो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा, नदियां हो गई, झीलें हो गई, घाट हो गए या फिर राज्यवार स्थिति हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, समुद्र सीमा हो गई, देशों के बारे में हो गया, सारी चीज उसमें आपको अलग अलग पेज में अलग अलग देश अलग अलग राज्यों का टोटल जो मैप है वो मिल जाता है, डीपली मैप मिल जाता है, तो वो बुक भी आप जरूर परचेस कर लें अगर आप चाहें तो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑनलाइन अगर आप परचेस करना चाहें तो। कर्नाटक राज्य की बात करें तो इसमें एब्बे, एरिसीना, कालहट्टी, केप्पा, कुसल्ली, कुंचीकाल, मावोर, मूथियाला, साथोड़ी और सिमसा जलप्रपात प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, ये जो कि कर्नाटक पर्यटन के आकर्षण के केंद्र है। याद रखना नाम भैया, है ना, जो धीरे धीरे याद होंगे, एकदम से याद नहीं हो पाएंगे, मुझे भी नहीं पता है सारे के सारे, लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। तमिलनाडु में बात करें तो यहाँ पर बेमान, बी अर शोला, कोटलम, फेरी प्रपात, होगेना काल, कुंभक कराई, मंगलम, अरुवी, मंकी, कोरियार, पेरियार, वेद की चांदी, प्याकार, सुरुली, स्नेक,
ऐसे जलप्रपात प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर गाथा, कियोटी, कुणे, मालेश्वर और पांडव घाट जलप्रपात प्रसिद्ध है। केरल की बात कर लेते हैं, आथी, आथिरापिल्ली, मीन मुट्टी, पालारुवी, सुचीपाड़ा और थुषारागिरी जलप्रपात प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो पालारुवी जलप्रपात है ये केरल का प्रसिद्ध जलप्रपात है और यहाँ के पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। मेघालय की अगर बात कर ले तो बियोदोन, बिशप, एलिफेंट, किनरेम, लॉन्ग शिलोंग, मार्गरेट, नोका, लिकाई, स्प्रेड ईगल और स्वीट प्रपात प्रसिद्ध है। उड़ीसा की बात कर ले तो जोरांडा और खानाधार, जोरांडा और खंडाधार जलप्रपात प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में आपको धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में मिल जाता है, जबलपुर के निकट। चचाई जलप्रपात आपको मिल जाता है बिहार नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात जो कि इंदौर के निकट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है कई बार यहाँ से सुनने में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है वहां उसमें एक अचानक से बाढ़ आ जाती है और इस जलप्रपात में ऊपर जो जहां से पानी गिरता है उसके ऊपर लोग नहाते रहते हैं, वहां से अचानक बाढ़ आ जाती है और नीचे वो जो झरना है उसमें गिर जाते हैं लोग, तो यहाँ पर दुर्घटना काफी मात्रा में होती रहती है। दुग्धधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, जीवन रेखा नदी कहलाती है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तीर्थगढ़ जलप्रपात है, हिमाचल तीर्थगढ़ जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी के निकट है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, बुंदला और पालनी जलप्रपात प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। झारखंड में घगरी, हुंडरू और जोहना, हुंडरू जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। झारखंड में घगरी और जोहना भी प्रसिद्ध है। और मिजोरम में यहाँ पर वांतावान, तो आपको यहाँ पर जिन जिन राज्यों में एक एक दो दो जलप्रपात है वो तो आप याद रख ही सकते हैं, जैसे कि मिजोरम तो यहाँ पर वांतावांग जलप्रपात है। क्वेश्चन आ सकता है वांतावांग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो हमें पता, हमने अगर एक बार या दो बार भी पढ़ा है तो आपको याद रह जाएगा कि भैया मिजोरम राज्य में है। तो वांतावांग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, मिजोरम राज्य में। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो घगरी, हुंडरू, जोहना याद रख सकते हैं। झारखंड का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, गाथा हो गया, बेमान हो गया, हुंडरू हो गया, तीर्थगढ़ हो गया। अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन जो आंसर है वो एलिमिनेट कर देंगे। आपको पता है कि गाथा तो नहीं है तो महाराष्ट्र में, आपको पता है कि बेमान तो नहीं है ये तो दूसरे राज्य में, अब आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, हुंडरू बच जाता है, तीर्थगढ़ बच जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास दो ऑप्शन में से सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपके पास चार ऑप्शन रहते तो 25% चांसेस रहते हैं आपके आंसर सही होने के, जब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं आपके 50% आंसर सही होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमेशा आपको पॉजिटिवली रहो, वहां पर आप ये भी सोच सकते हैं कि 50% तो गलत होने के चांसेस भी नहीं, जो आपका मन कहे वहां पर वही करना है, वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही नहीं है और आपने ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आएगा कि भैया सी आंसर है, तो बस फटाक से सी लगाओ और हट जाओ, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। और वहां पर आपने दिमाग लगाया तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, या हमेशा फैक्ट चीज है, मैंने खुद रियलाइज की है। तो ये सारे जो जलप्रपात है, ये सारे जलप्रपात प्रमुख रूप से प्रसिद्ध जलप्रपात है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। वैसे नॉर्मली भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा या फिर जोग जलप्रपात, या फिर जोग जलप्रपात को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो गोरसप्पा जलप्रपात होगा, या फिर आप जिस स्थानीय जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां की जो एग्जाम होती है तो वहां के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके नोट्स आप जरूर बना लें। इसके अलावा हमारी जो दूसरी क्लासेस मैथ्स और एमपीजी के क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप रेगुलर, वहां भी आपको यूट्यूब दोनों जगह पर आपको वीडियोस रेगुलर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरीज है एग्जाम से रिलेटेड,
इसके अलावा कोई सी अदर आप एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस हो गए, इससे रिलेटेड आप क्वेरीज आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपने अभी ट्वेल्थ पास की है या फिर अभी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उससे रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी तो आप सभी समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।